साथियों, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पोर्ट पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे तीसरे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे तीसरे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। समय आप आए हो, जाम की स्थिति थी, इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा तो फायदा किसको होगा? हरियाणा प्रदेश के हिसार को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।